हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशबू फैशन डिजाइनर। आज मैं आप सबके साथ डिजाइनर ब्लाउज का सिलाई कैसे होता है वो मैं शेयर कर रही हूँ। अगर आपको इसका पैटर्न, ड्राफ्टिंग और फैब्रिक कटिंग वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं और भी लेटेस्ट डिज़ाइन आप सबके लिए लाऊं। ये देखिए, इस तरह से फैब्रिक कटिंग होता है। इसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी हूँ, उस पर आप देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ इस डिज़ाइनर ब्लाउज का स्टिचिंग बताऊँगी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये है फ्रंट पार्ट, इसमें मैं पेपर पेस्टिंग चिपका रखी हूँ गले पे। इसको दोनों पार्टों को इस तरह पकड़ के इस पर सिलाई लगाएंगे। दूसरा पार्ट भी हम इसी तरह सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, दोनों में सिलाई लग गया। अब इसमें हम छोटे छोटे कट लगा देंगे, गला आसानी से मुड़े। अब इसको हम पलट कर सीधा कर लेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे, पेपर पेस्टिंग के ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। दूसरे पार्ट में भी हम इसी तरह सिलाई लगा लेंगे और इसको सीधा कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से सीधा कर लिए। अब इसमें के हम बीच वाला भाग लेंगे। पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि ये डिजाइनर ब्लाउज है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें देखने के लिए कि किस तरह से सिलाई हो रहा है। ध्यान से देखिए किस तरह से ये सिलाई हो रहा है। इस तरह से इसको पकड़ के और फिर ये दूसरा पार्ट इसके ऊपर हम रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, सिलाई लग गया। अब इसमें भी हम छोटे छोटे कट लगा देंगे। इसको सीधा कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, अब हम इस तरफ दूसरा पार्ट ज्वाइंट करेंगे। जैसे ये वाला किए थे सेम वैसे ही ये भी पॉइंट ज्वाइंट करेंगे पार्ट। ये देखिए, इसको हम इस तरह से लगाएंगे। दूसरा वाले पार्ट को इसके ऊपर से लगाकर पीछे की तरफ पलटकर लाएंगे और यहाँ पे रखकर सिलाई लगाएंगे। अब इस पे भी छोटे छोटे कट लगा देंगे
और इसको सीधा करेंगे। देखिए मैं किस तरह से सीधा करी, इस तरह से कपड़े खींचकर। ये देखिए सीधा हो गया। अब हम इसमें साइड पैनल जोड़ेंगे। ये है साइड पैनल, ध्यान से देखिएगा मैं किस तरह से ज्वाइंट कर रही हूँ। इस तरह से एक पार्ट ज्वाइंट कर लेंगे, दूसरा पार्ट नीचे वाले पार्ट में ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए एक पार्ट ज्वाइंट हो गया, अब दूसरा पार्ट हम इसमें ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए दोनों पार्ट ज्वाइंट हो गया है। सेम इसी तरह से दूसरे साइड भी साइड पैनल ज्वाइंट कर लेंगे यहाँ पे। इस तरह से दूसरा पार्ट लगा लेंगे और इस पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए दोनों पार्ट ज्वाइंट हो गया। अब हम इसमें किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए मैं किनारे किनारे सिलाई लगा ली हूँ। आप चाहे तो इसमें कप भी ऐड कर सकते हैं। ये है बैक पार्ट, हम बैक पार्ट के गले पे काम करेंगे। यहाँ पे दोनों पार्ट लेंगे, एक पेपर पेस्टिंग वाला पार्ट, एक बिना पेपर पेस्टिंग वाला पार्ट, और दोनों को इस तरह से करके सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए मैं सिलाई लगा ली हूँ। अब इसमें हम दो छोटे छोटे कट लगा लेंगे और इसको हम पलट के सीधा करके उसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से सिलाई लगा लेंगे, पेपर पेस्टिंग वाले ही भाग पे सिलाई लगाएंगे। ये देखिए दोनों में सिलाई लग गया। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। अब हम इसमें भी बीच वाला पार्ट लेंगे। ये है बीच वाला पार्ट, इसमें मैं जिप लगाऊंगी तो इसको बीच से कट हुआ है। अब इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे हम। इस ब्लाउज में डबल जिप लगेगा, एक साइड में और एक बैक में। अब इसमें भी छोटा छोटा कट लगा देंगे। और इसे सीधा कर लेंगे इस तरह से। इस पे आयरन कर देंगे तो और भी ज़्यादा अच्छे से बैठ जाएगा सिलाई। इस तरह से गला वाला पार्ट सीधा करेंगे। ये देखिए इसी तरह से दूसरा पार्ट भी हम ज्वाइंट कर लेंगे, ये वाला पार्ट। ये देखिए इस तरह से एक नीचे की तरफ रखेंगे, बीच में गले वाला पार्ट डालेंगे और इस पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए दोनों पार्ट में सिलाई लग गया है। अब हम यहाँ पे इसको दोनों पार्ट को इस तरह से पकड़ के और इस पर सिलाई लगा देंगे, यहाँ तक गले, जहाँ तक गले का गहराई है वहाँ तक। इस तरह से यहाँ तक सिलाई लगा देंगे।
और बाकी हिस्सों में हम इसमें चेन लगाएंगे। ये देखिए, इसको मैं उल्टे की तरफ की हूँ। इस तरह से सिलाई अच्छे से बैठा देंगे। और ये है मैचिंग का चेन, इसको हम लगाएंगे इसमें। इसको हम इस तरह से रखेंगे और इसमें इसको मैं पिन से सिक्योर कर दे रही हूँ ताकि अच्छे से बैठे। दूसरे साइड भी इस तरह से हम लगाएंगे। ध्यान से देखिए कैसे मैं जिप लगा रही हूँ। इसको भी मैं पिन से सिक्योर कर दे रही हूँ। ये देखिए, दोनों तरफ जिप पिन से सिक्योर हो गया है। अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के लिए हम सिंगल फुट का यूज करेंगे। यह है सिंगल फुट, इसको मैं मशीन में लगा रही हूँ। अब इससे मैं जीप आसानी से लगा सकूंगी। पिन को निकालते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे बिल्कुल किनारे साइड में। दूसरे साइड भी इसी तरह से सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, दोनों तरफ सिलाई लग गया। अब हम इसमें इसका कंधा जोड़ेंगे। देखिए ध्यान से किस तरह से कंधे जोड़ रही हूँ। इस तरह से मिलाकर इस पे सिलाई लगा देंगे। फिर ये वाला पार्ट भी हम इस तरह से लेंगे और इसको सिलाई लगा देंगे। फिर इस साइड का भी लेंगे, इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। फिर ये वाला भी पार्ट हम इस तरह से लेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, सिलाई लगा दी हूँ मैं। अब इसमें आर्म होल के साइड में कपड़ा लगाकर इसमें फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। ब्यास कट में कपड़ा कट करेंगे हम शोल्डर आर्म होल में पट्टी लगाने के लिए। और इस तरह से डबल फोल्ड करके इस पर सिलाई लगाएंगे। अब हम इसको फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे या फिर तुरपाई कर लेंगे। मैं इस पे सिलाई ही लगाऊंगी। दूसरे साइड भी आर्म होल में इसी तरह से सिलाई लगाकर फिनिशिंग दे देंगे आर्म होल की। इस साइड भी हम इसी तरह से देंगे। ये देखिए, अब हम गले पे काम करेंगे। इसके लिए भी ब्यास कट में कपड़ा कट करेंगे और इस पे पट्टी लगाएंगे। इसका कटिंग वीडियो आपको फैब्रिक कटिंग वीडियो में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। या फिर इस ब्लाउज का पैटर्न ड्राफ्टिंग भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, उस पर आप देख सकते हैं किस तरह से पैटर्न ड्राफ्टिंग हो रहा है या फिर फैब्रिक कटिंग कैसे हो रहा है, तब ज़्यादा समझ में आएगा ये ब्लाउज कैसे सिलाएगा।
बहुत ही आसान है ये ब्लाउज बनाने में। ये देखिए, अब इस तरह से हम इसको फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए सिलाई लग गया। इस पे आयरन कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा से बैठेगा सिलाई। ऐसे मैं आयरन नहीं की हूँ तो थोड़ा सा सिलाई उतना बैठ नहीं रहा है। अब हम इसको रॉन्ग साइड लेंगे और यहाँ पे साइड पे फिटिंग का सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे 1.5 इंच तक मैं सिलाई लगाऊंगी, उसके बाद वाले पार्ट में चेन लगाऊंगी। इस ब्लाउज में डबल चेन लग रहा है। अब यहाँ पे एक चेन लूँगी और इस पे मैं इस तरह से रख कर इस पे चेन लगाऊँगी, इस पे सिलाई लगाऊँगी। दूसरे साइड भी सेम वैसे ही सिलाई लगा लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा चेन है उसको हम कट कर देंगे। अब हम इसमें नीचे कमर पट्टी में पट्टी लगाएंगे। इसके लिए 1.5 इंच कपड़ा ली हूँ मैं। इसको हम इस तरह से रख के इस पर सिलाई लगाएंगे। अब हमें दूसरे साइड में फिनिशिंग देंगे। ये देखिए ब्लाउज बनकर रेडी हो गया है। स्टाइलिश ब्लाउज बोलिए या फिर डिजाइनर ब्लाउज बोलिए या फिर बॉलीवुड डिजाइनर ब्लाउज बोलिए। ये देखिए डबल चेन के साथ ये ब्लाउज बनकर रेडी हो गया है। वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।